भारतीय जनता पार्टी के मुंबई महासचिव संजय उपाध्याय ने इस वर्ष कोंकण प्रांत के लोगों को गणेश उत्सव मनाने के लिए अपने गांव पहुंचाने का निर्धार किया था। इसके चलते 50 एसडी बसेस को मुंबई से रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ की ओर भेजने का तय किया गया था। संजय उपाध्याय ये जानते हैं कि कोंकण में गणेश उत्सव परिवार को जोड़ता है, रक्त संबंधों को करीब लाता है, उत्साह और खुशी का माहौल बनाता है। मेहमानों, बच्चों की मौज मस्ती, पुरानी और नई पीढ़ी के साथ बातचीत, नृत्य और गीत के कार्यक्रम, सास ससुर के जमावड़े के साथ यह एक ऊर्जावान त्योहार है। इसी के चलते कोंकण प्रांत से मुंबई उदर भरण के लिए आते अपने कोंकण निवासी भाई बहनों को अपने गांव गणेश उत्सव में सहभागी होने के लिए बुधवार 4 सितंबर को संजय उपाध्याय द्वारा विले पार्ले पूर्व से 20 एसटी बसेस को कोंकण के लिए रवाना किया गया। यहां हम ये बताना चाहेंगे कि संजय उपाध्याय ने पहले बस चालकों का सम्मान किया और फिर बसेस को रवाना किया। आने वाले 2 दिनों में और 30 बसेस रवाना की जाएगी। गणेश उत्सव हा कोकणासाठी फार मोठा सण असतो, पण यावेळी कोकणात जाण्यासाठी कसं जायचं हा एक मोठा प्रश्न असतो। बसेसचे भाडे 2000-3000 असे वाढले असतात आणि त्यावेळी सामान्य कोकणवासियांना गावात जाण्याकरता आम्ही विलेपार्ल्यातून 50 बसेसची व्यवस्था आज केली आहे। आज उद्या परवा असे 3 दिवशी आपण याच ठिकाणाहून बस सोडणार आहोत। एसटीचा संप होता तरीसुद्धा एसटी महामंडळाने आम्हाला या बस उपलब्ध करून दिल्या, त्याबद्दल त्यांचा आभारी आहे। हे बसचं नियोजन आम्ही 1.5 महिन्यापासून पूर्वतयारी करून केली होती, त्यासाठी 100 रुपये ॲडव्हान्स घेतले होते आणि या सगळ्यांचा उपयोग आम्ही आदिवासी मुलांच्या अनाथालयासाठी करणार आहोत, ही सुद्धा याच्या मागे भावना आहे। सर, हिंदी में जिस तरह से आज आप कोकण वासियों के लिए यहाँ पर बस छोड़ी जा रही, कितनी बसें छोड़ी जा रही है और आज ही है या फिर आपके द्वारा आगे भी इस तरह की बसें छोड़ी जाएंगी, भाजपा पार्टी की तरफ से होगा या संजय जी की तरफ से? कोकण के लिए गणेश उत्सव एक बहुत बड़ा उत्सव और कोकण जाने के लिए उतनी ही बड़ी समस्या, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुंबई की ओर से 750 से अधिक और केंद्र सरकार की ओर से 450 से अधिक ट्रेन, विशेष ट्रेन कोकण के लिए उपलब्ध करा के सरकार ने सामान्य नौकर वर्ग को गांव जाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई है। और विले पार्ले से भी आज हम 50 बस कोकण के लिए छोड़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ सभी भक्तों के लिए है। किस तरह की उनके खाने की व्यवस्था, बाकी सुरक्षा को लेकर कितना ध्यान दिया जा रहा है और किस तरह की सुविधाएं आपकी तरफ से उपलब्ध कराई जाएंगी बसों में? नहीं, बसेस आप देख रहे हैं कि दिन के समय एक अच्छे जगह पर जहां पर किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है, मानसून बरसात हो तो शेड की व्यवस्था भी है। 5 बजे के पहले सभी लोग अपने बस में बैठ गए हैं। दिन रहते ही हम सभी बसेस को रवाना करने वाले हैं। शासन ने टोल नाका से लेकर रास्ते की चिंता की हुई है और इन भक्तों का प्रवास सुखमय होगा, सुखद होगा, सुरक्षित होगा, ऐसी हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। विपक्ष जो जिस तरह से शिवाजी की जो मूर्ति टूटी है उसको लेकर जिस तरह से विरोध कर रही है और जूता मारो आंदोलन कर रही है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य हैं। आज मैं यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अगर महाराज नहीं होते तो हम नहीं होते, ऐसा मेरा मत है। उनका मूर्ति का टूटना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जब मुंबई में आए तो अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने कहा, अगर हमसे गलती होगी तो महाराज के चरणों में एक बार नहीं तो 1000 बार माफ़ी मांगनी पड़े, तो हम माफ़ी मांगेंगे। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की माफ़ी मांगते हैं और उस स्थान पर एक भव्य, दिव्य और युवकों को प्रेरणा दे इस प्रकार का फिर से उनका मूर्ति की स्थापना हम करने जा रहे हैं। विपक्ष अपनी राजनीति करता रहे, चुनाव है, विपक्ष के पास राजनीति के सिवाय पर्याय नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं, हमारे लिए श्रद्धा
का विषय है और हम उनको सामने माफ़ी मांगने में, उनको नमन करने में अपना अभिमान व्यक्त करते हैं। इस बस से और कितनी खुशी है जिस तरह से भाजपा के द्वारा ये सेवा दी जा रही है भक्तों के लिए। बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो गणपति का आराध्य देवत है और ये भाजपा ने जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महामंडल का जो बस का जो प्रायोजन किया उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया और आपको भी धन्यवाद। किसका धन्यवाद कहना चाहेंगे और क्या लग रहा है किस तरह की सुविधाएं जो दी गई है कितनी अच्छी है सुविधाएं? सुविधा तो बहुत अच्छी है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुविधा अच्छी है। ओके, इसके लिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। ओके, वेंगुर लाकुडाल। कितनी खुशी है और किस तरह से गणेश बता नहीं सकते, बहुत। किसकी तरफ से ये आपको सुविधा? संजय जी उपाध्याय उनकी तरफ से। तो क्या इससे पहले भी इस तरह की सुविधाएं यहाँ से? हाँ, हुई थी, पिछले साल भी गए थे हम लोग। किसके द्वारा किए थे? इनके संजय उपाध्याय सर की तरफ से ही गए थे। तो किस तरह की अंदर सुविधाएं दी जाती है जैसे बस छोड़ी गई तो सुरक्षा को लेकर? बहुत अच्छा, इसलिए ये साल भी फिर वापस आ गए हम लोग। इस साल हम वेंगुर्ला में जा रहे तो ये भाजपा तरफ ये जो भी आयोजन किया है उसका हम लोग धन्यवाद करते और गणपति बापा से यही विनती करते कि हम लोग आराम का और सुखरूप आराम का सब लोग हमारा जो कोई निरोप है वो आराम का निरोप करे और आपको आते समय हमें खुशहाली से आप लेके आए ये हमारे आपका आराम से धन्यवाद। ये थैंक यू।